दोस्तों, अगर आप यूपी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और आपका दिव्यांग पेंशन का पैसा डीबीटी एनपीसीआई सही कराने के बाद कितने दिन में पैसा आपके खाते में आएगा, जैसा कि बहुत सारे दिव्यांग पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं कि वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर डीबीटी एनपीसीआई तो एक्टिव करा लिया है, तो अब जो है पेंशन का पैसा कब तक हमारे खाते में आएगा। जैसा कि जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा जो ट्रांसफर किया जा रहा है उसके साथ में आपका पेंशन का पैसा आएगा या उसके बाद आएगा या आपका पेंशन का पैसा नहीं आएगा, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यूपी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं और आपका जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में जो है भुगतान नहीं हो पाया है, क्योंकि अब सभी का पेंशन का पैसा डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपका डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव नहीं है तो आपको जल्द से जल्द जो है अपना डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव करा लेना है, नहीं तो आपका पेंशन का पैसा नहीं आ पाएगा। जैसा कि आपको अपने बैंक में जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेकर के और अपना बैंक का पासबुक साथ में लेकर के जाना है अपने बैंक में और वहां पर अपना डीबीटी एनपीसीआई को सक्रिय करा लेना है, एक्टिव करा लेना है। और उसके बाद में आपको अपने पेंशन पोर्टल पर आकर के जो है अपना आधार सत्यापन भी वेरीफाइड करा लेना है, जैसा कि हर प्रमाणीकरण आपको करवा लेना है। जैसा कि आप जो है अगर खुद मोबाइल से कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के जो है अपना आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। अगर फिर भी जो है नहीं हो पा रहा है, एरर लिख के आ रहा है, बार बार बैक हो जा रहा है, आपको क्या करना होगा, आपको इस कंडीशन में अपने समाज कल्याण ऑफिस में चले जाना है, वहां पर जो है अपना आधार कार्ड जो है अपने पेंशन के साथ जो है सत्यापन करवा लेना है, आधार कार्ड वेरीफाइड करवा लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जो है डीबीटी एनपीसीआई वगैरह सब कुछ एक्टिव करा लिया है तो आपका पेंशन का पैसा कब आपके खाते में आएगा। अगर आप अक्टूबर मंथ में जो है अपना डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव कराया है, अपना आधार कार्ड जो है प्रमाणीकरण किया है, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा अब की बार नहीं मिल पाएगा। आपको डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव कराने के बाद में जो है आपको लगभग 2 महीने का इंतजार करना है, जैसा कि 2 महीने बाद जो है वो आपका पेंशन का पैसा आएगा, क्योंकि जो है पेंशन पोर्टल पर जो है ये अपडेशन कुछ लेट चलती हैं, इसीलिए जो है लगभग 1-2 महीने टाइम लग सकता है। और अभी आप अक्टूबर मंथ में कराए हैं, एक्टिव करा लिए हैं, सब कुछ एक्टिव करा लिए हैं, आपको 2 महीने बाद जो है आपका पेंशन का पैसा सेवली ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा कि आपको जुलाई अगस्त सितंबर का और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दोनों किस्तों का पैसा आपके मेन अकाउंट में जो है 6,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं कि जिन पेंशन लाभार्थियों का डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव हो चुका है, जैसे कि 1-2 महीने पहले ही जो है अपना डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव करा लिए हैं, तो उनका अभी की बार जुलाई अगस्त सितंबर का जो पेंशन का पैसा डाला जा रहा है तो इसी के बीच में जो है उनका पेंशन का पैसा कभी भी उनके खाते में आ जाएगा। जैसा कि अभी लगभग 50% दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का पेंशन का पैसा उनके खाते में आ चुका है, लेकिन 50% दिव्यांग लाभार्थी ऐसे हैं कि उनका पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाया है। जैसा कि बहुत सारे पेंशन लाभार्थी हैं कि उनका डीबीटी एनपीसीआई ही अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया, आधार सत्यापन नहीं हो पाया है, और जिनका आधार सत्यापन और डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव हो चुका है उनको जो है कुछ दिन वेट कर लेना है, उनका पेंशन का पैसा सेवली उनके खाते में आ जाएगा। आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप पेंशन के बारे में जानकारी पा सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अभिषेक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।